सत श्री अकाल दोस्तों, आज मैं आपको बेसिक स्टेप बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा है? वो है कमर। काफी सारे लोगों के कमेंट्स यही आते हैं कि मैम कमर चलाना नहीं आता, पैर चलाना नहीं आता। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आज आपको बहुत बढ़िया स्टेप बताऊंगी। बस आपने एक ही जगह पे खड़े होके ये स्टेप सीखो। जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पे भी जुड़े हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल है, बेनिफिशियल डांस, प्रीति डांस स्टूडियो, स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है, उस पर आप फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों को सब्सक्राइब नहीं आता, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए, रेड कलर का बटन दिखाई देगा वहाँ प्रेस कीजिए, बेल की घंटी को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक जरूर पहुंचे। तो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको सिखाएंगे एक ऐसा स्टेप जो आपने कभी नहीं सीखा होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा, तो आज आपको वीडियो में शुरू से आपको दिखेंगे। मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दूंगी। जो भी आपका टाइम अवेलेबल होगा आप हमें मैसेज करके बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप। आप किसी भी ड्रेस में हो, चाहे लहंगा, गाउन, शरारा, स्कर्ट, कुर्ता पजामा, चाहे पंजाबी ड्रेस को भी पहना हो, आप उसी ड्रेस में आ जाइए, बेफिक्र होकर खड़े हो जाइए। इस तरह से हम सीधे खड़े होंगे, ओके। पहले आपको पहली बात बताती हूँ, आपको डायरेक्शंस का पहले पता होना चाहिए। राइट साइड ये है और ये लेफ्ट साइड है। हर वीडियो में आपको बताया जाता है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, पहले तो पैर चलाएंगे ना, तभी हमारी कमर चलेगी। आप देख लीजिए, आप अपने दुपट्टे को इस तरह से बांध लीजिए, ठीक है। अब देखो हमारा फर्स्ट, मैं आपको साइड में बताऊंगी तरीका, ध्यान से देख लीजिए। देखो, हमने दोनों पैर जमीन पे टच करे हैं तो लेफ्ट वाला पैर हमारा ऐसे खड़ा रहेगा, आपने एड़ी उठा लेनी, ओके। एड़ी को खड़ा करना है और लेफ्ट हैंड हमने कमर पे रखना है। बस आपने लेफ्ट वाली कमर को बाहर करना है, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बात नोटिस कर लीजिए, राइट वाला जो मेरा पैर है, ये वाला राइट वाला जो मेरा पैर है वो मेरे जमीन पे ही टच है। बस आपने लेफ्ट वाले पैर की एड़ी को उठाना है। ये स्टेप मैंने आपको साइड में बताया, अभी मैं आपको सामने से बताऊंगा। सीधे खड़े रहिए, ठीक है। लेफ्ट वाला पैर हमने इस तरह से खड़ा कर लेना है, खड़ा करके लेफ्ट हैंड कमर पे रखेंगे, राइट वाला ऊपर की तरफ हाथ रखेंगे। अब हम कमर चलाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सामने से अगर नहीं समझ आए आपको अच्छे से, आपको पीछे से बता रही है, ध्यान से देख लीजिए। लेफ्ट वाला पैर मेरा ये है, राइट वाला ये वाला है। तो लेफ्ट वाला पैर उठेगा, राइट वाला जमीन पे टच रहेगा, लेफ्ट हैंड कमर पे रहेगा और राइट हैंड ऊपर की तरफ रहेगा। अब देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया ना कंप्लीट, अच्छे से क्लियर हो गया ना, आपको पता चल चुका है मुझे, आपको आ गया। आपने हाथ ऊपर रखा है तो आप राइट हैंड सीट पे भी रख सकते हो ऐसे, ठीक है। आप ऐसे भी स्टेप कर सकते हो, बहुत सुंदर लगता है ये स्टेप। ये था मेरा फर्स्ट स्टेप जो हो गया कमर का, कमर को कैसे चलाते हैं, किस तरह से चलाना चाहिए, ठुमका जिसको बोलते हैं, ठुमके का ये बेसिक फर्स्ट स्टेप है। यही ठुमका हर सॉन्ग पे कीजिए, जो भी आपका मनपसंद सॉन्ग हो, जो भी आपका मनपसंद सॉन्ग है, ठुमके का स्टेप उसी में कीजिए। अब चले हम दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप होगा, अगर कोई गाना चलाता है, कोई भी गाना, किसी भी गाने पे आप डांस के स्टेप कैसे करोगे,
कैसे करोगी? अगर आपको ठुमका आता होगा तभी तो करोगे ना। ठुमका चलाया आपने, उसके बाद हमने स्टेप बनाना है, ठीक है? वो कैसा, देखो, एक हाथ ऊपर करा, दूसरा यहाँ रखा, तो हम क्या करेंगे, वही पोजीशन रख लेंगे पैर की। अब फिर से ठुमका लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये स्टेप भी कर सकते हो, हाथ ऐसे रख सकते दोनों। अब करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को ऐसे रखेंगे और इधर को लेफ्ट साइड करेंगे हाथ, ठीक है? फ्रंट वे मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी मैं आपको साइड वे बताऊंगी। देखो इस तरह से पोजीशन रख लिया, ठीक है, हाथ ऐसे रख लिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके घर में जितनी भी स्पेस है उसी स्पेस में खड़े होकर आप स्टेप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमारा घर बड़ा होना चाहिए, जितनी आपके घर में जगह है उतनी जगह में आप ये स्टेप कीजिए। ये हो गए दो स्टेप, ये महिलाओं के लिए बताया जा रहा है। अब मैं बता रही हूँ पुरुषों के लिए स्टेप, वो भी फॉलो कीजिए। जो पुरुष पंजाबी डांस पसंद करते हैं, भांगड़ा पसंद करते हैं, वो स्टेप सीखिए। भांगड़े में हमने हमारी लेग्स बाउंस और करनी चाहिए। भांगड़े में क्या होता है, भांगड़े में हमारी लेग्स बाउंस होनी चाहिए। दोनों लेग्स को इस तरह से खोल लीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं खोलना, बस थोड़ा सा खोल लीजिए। राइट लेग को ऊपर करना है और लेफ्ट लेग को ऊपर करना है। दोनों हाथ कमर पे होंगे, बाउंस करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हो गया बाउंस का स्टेप। अब हम क्या करेंगे, फिंगर की हेल्प लेंगे, ऐसे इस तरह से रखेंगे हाथ। अब हम बाउंस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ओके, दूसरा स्टेप भी फॉलो कीजिए। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, लेग की पोजीशन सेम रहेगी, जितनी लेग्स आप ऊपर की तरफ करेंगे उतना ही आपका फैट बर्न होगा। और ये भंगड़ा स्टेप बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप ढोल पे करें। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथ ऐसे करेंगे नीचे की तरफ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गए ना दो स्टेप अच्छे, ये आपको दो स्टेप अच्छे से क्लियर हो गई। पंजाबी लोग जो है अभी देख रहे वीडियो, तो ये स्टेप कर सकते हो। टोटल हो गए आपके 4 स्टेप। ये 4 स्टेप इतने शानदार है, जो महिला कमर के सीखना चाहती है उसका ट्यूटोरियल बना दिया है, जो भांगड़ा सीखना चाहता है, पंजाबी डांस सीखना चाहता है, तो ये 2 स्टेप कर सकते हो। हमारे चैनल पे जुड़े हैं, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिए, बेल की घंटी को प्रेस कीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा म्यूजिक लगा देती हूँ, तो देखिए कैसे लगते हैं स्टेप। ये 4 स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखना है, प्रैक्टिस करनी है।
हमारी वीडियो को देख रहे हो आप प्लीज शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। जो लोग बिल्कुल भी डांस नहीं जानते सोचते हैं हमने डांस सीखना है तो आप ये स्टेप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या होती है, डांस में आपकी एनर्जी होनी चाहिए। अगर आपके डांस में एनर्जी नहीं होगा तो आपका डांस अच्छा नहीं होगा। डांस में एनर्जी कैसे लाओगे, अपने डांस को रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अपने डांस के स्टेप्स को रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, वो कैसे, रोज 15-15 मिनट निकालिए डांस के ऊपर एक्सरसाइज के लिए। आपका माइंड फ्रेश रहेगा, एक्टिव रहेगी आपकी बॉडी, हमेशा फिट रहोगे, कभी फैट नहीं आएगा। मैंने ऐसे ही अपना वेट कम करा डांस करके। तो दोस्तों आज से शुरू हो जाए, खड़े हो जाइए। लोग दूर दूर से बैठे हैं, हरियाणा से है, यूपी से है, बिहार से है और पंजाब से है, सभी लोग हमारे साथ डांस के स्टेप सीखते हैं। इंग्लैंड से है, कनाडा से, अमेरिका से भी, आउट ऑफ कंट्री से भी हमारे साथ डांस सीखते हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, आप जरूर सीखे। ओके गाइस, हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हम खुद आपको कॉल करेंगे। धन्यवाद।